नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स, प्रीति शर्मा आपके साथ। रुक करते हैं खबरों की शुरुआत करते हैं कोटपूतली से, जहां पर इंदौरिया समाचार जगत के 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में शुभकामना प्रेषित करने इंदौरिया टाइम्स के स्टूडियो पहुंचे राष्ट्रीय कवि सिद्धार्थ कुमार। औपचारिक स्वागत उद्बोधन के बाद निर्देशन डॉक्टर राकेश शर्मा द्वारा वर्तमान परिपेक्ष में नारी की अस्मिता पर उठते सवालों के संदर्भ में कभी सिद्धार्थ ने एक कवि की मंशा जानने की कोशिश की तो कभी स्वयं को रोक न सके। और राजस्थान के थानागाजी प्रकरण को इंगित करते हुए मातृशक्ति को समर्पित अपनी कविता के माध्यम से कहा कि अखबारों की सुर्खियां ये बताती प्रशासन में है खामियां ये बताती, अखबारों की सुर्खियां ये बताती प्रशासन में है खामियां ये बताती, थे उस जुर्म में जैसे खुद भी रोज गिरती तहजीब की छत के नीचे सुरक्षित रहेगा क्या ईमान मेरा, क्या लौटा सकोगे मुझे मान मेरा, क्या लौटा सकोगे मुझे मान मेरा। निसंदेह आपकी ये पंक्तियां उसका मान तो नहीं लौटा पाएगी, लेकिन हाँ उन वैसे करिंदे लोगों को जिनकी तोहरी नीति और तोहरी सोच के चलते हर रोज कोई ना कोई घटना इस तरीके से परवान चढ़ती है कि हम स्वयं अपनी नजरों में शर्मसार हो उठते हैं। इंदौरिया समाचार जगत जो अपना पहला संस्करण जब समाज के बीच में प्रसारित किया उसी दिन ये पहली गाइडलाइन बनाई थी कि वो कभी भी इस तरह के रेपिस्ट के मामले में बलात्कार की घटनाओं को फंदे से जूझ जाने वाली महिला को वो सुर्खियां प्रदान कभी नहीं करेगी। मैं यहाँ पर ये बात भी कहना चाहूंगा वो सचिव मिश्रा और राजू सिंह का, उसमें भी शायद दुनिया की वो पहली बदकिस्मत बेटी थी जिसने अपने माता पिता के ऊपर वो दबाव बनाने का प्रयास किया, जो कि संभव है कोई बेटी कभी भी अपने माता पिता को ये सारे क्षण कभी भी उसे वेदना के रूप में नहीं देना चाहती। डॉक्टर पेरेंट्स रिलेशनशिप करके संस्थान का एक प्रोजेक्ट है और उसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे विषयों को टच करते हैं, पर एक संदर्भ आता है कि कभी भी किसी भी दौर में यदि कोई सर्वे करके देखे तो दुनिया भर के तमाम हॉस्पिटल्स में जितने भी माँ बाप यदि एडमिट है तो अटेंडेंट के रूप में उनके पास यदि कोई बेटा है तो वो एक बेटा या बहू नहीं होगी बल्कि वहां पर केवल और केवल एक बेटी होगी। वो बेटी तो न केवल पिता के घर में बल्कि पति के घर में भी जाकर दोनों गुरुओं का मान रखती है, जैसा कि आपने कहा कि पति का मान है तो पिता का स्वाभिमान भी है बेटी। हर जगह बहन यदि चाहिए बेटी, पत्नी चाहिए बेटी, माँ चाहिए बेटी, तो आखिर जब बेटे की तरह बेटी भी मुट्ठी बांध कर पैदा होती है तो फिर परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र में उसके प्रति पक्षपात क्यों किया जाता है।